हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूजाटा ब्लॉग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नरूजाटा ब्लॉग को, साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आज मैं करने वाला हूं कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू टाटा मोटर की मोस्ट अवेटेड मिनी एसयूवी टाटा पंच का बेस वेरिएंट, प्योर रिदम वेरिएंट का, और जिसके लिए मैं आया हूं सागर मोटर। और यहां पे मिला हूं मिस्टर गुरविंदर जी से, जिनका व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। एक अच्छे डील के लिए आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह है दोस्तों टाटा मोटर की मोस्ट अवेटेड मिनी एसयूवी का बेस वेरिएंट प्योर रिदम पैक। जी हाँ दोस्तों, जिसमें प्योर में आप 35,000 इन्वेस्ट करके इसे परचेज कर सकते हो। दोस्तों, क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, चलिए करते हैं एक वॉक अराउंड। ये है दोस्तों इसका फ्रंट प्रोफाइल, देखने में काफ़ी बोल्ड, ब्यूटीफुल और रगेड फील होता है। एक मिनी एसयूवी है। चलिए इसका फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट में इस वेरियंट में आपको मिलता है हेलोजन बल्ब, LED डेटैम की रनिंग लाइट की जगह पर। जस्ट उसके एडजेसेंट आपको टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है, और इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश नहीं दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश आपको प्रोवाइड किया गया है। जस्ट इसके नीचे आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है। यहाँ पे इस वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प प्रोवाइड नहीं किया गया है, और यहाँ पे थोड़ा हम्प दिया गया है, एरोडायनेमिक से ही प्रोवाइड किया गया है। नीचे आपको फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, एज एन एसेसरी के तौर पर आप यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। और इसका फ्रंट ग्रिल जो है पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, जो कि टाटा नेक्सॉन से इंस्पायर्ड है। बीच में आपको टाटा का लोगो, और जस्ट इसके एडजेसेंट आपको यहाँ पे ट्राई एरोसेफ डिज़ाइन 3 दिया गया है, जिसके जस्ट पीछे आपको हॉर्न विजिबल होगा। इसका मकसद यह है कि दोस्तों, अगर आप हॉर्न मारते हैं तो इसकी जो आवाज़ है वो बाहर तक लोगों तक जल्दी पहुँचेगी। यहाँ पे आप एयर डैम की बात करें तो ब्लैक कलर में प्रोवाइड किया गया, जिसके ऊपर ट्राई एरोसेफ डिज़ाइन दिया गया है। नीचे आपको स्किड प्लेट ब्लैक कलर में ही प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस तरह इसका फ्रंट प्रोफाइल। और इसके साइड प्रोफाइल में आपको 15 इंच का स्टील व्हील मिलता है। व्हील कवर नहीं दिया गया है इस वेरिएंट में, और व्हील साइज है 185/70R15। कुछ इस तरह का इसका व्हील। चारों ओर आपको बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलेगा, और साइड डोर पे आपको मोल्डिंग दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए, जो कि टाटा नेक्सॉन में भी आपने देखा होगा। और वहीं इसके वॉर्मिम की बात करें, वॉर्मिम आपको ब्लैक कलर में प्रोवाइड किया गया है, साथ में LED टर्न इंडिकेटर दिया गया है। ओके, जस्ट यहाँ पे आपको वाइपर दिया गया है, जो कि रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है इस वेरिएंट में, टॉप वेरिएंट में आपको मिलता है। रूप पे ध्यान दे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में एंटीना प्रोवाइड किया गया है, अगर ये रियर में होता तो ज़्यादा बढ़िया होता है। और इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल प्रोवाइड नहीं किया गया, एज एन एसेसरी के तौर पर आप रूफ रेल इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए पिलर ब्लैकआउट नहीं किया गया है, यहाँ पे केवल जो बी पिलर है वो ब्लैकआउट किया गया है। रियर साइड देखें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन, फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन, जो कि इसके साइड प्रोफाइल को काफ़ी मस्कुलर बना देते हैं। और ग्रैब हैंडल आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस वेरिएंट में ब्लैक कलर में ही प्रोवाइड किया गया है। रियर में टाटा अल्ट्रोस से इंस्पायर्ड यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाला है। फ्रंट की तरह ही रियर प्रोफाइल यहाँ पे बहुत ही मस्कुलर नज़र आ रहा है दोस्तों। और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। इस वेरिएंट में आपको डिफोगर और रियर वाइपर यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया गया है, साथ में वोकल फॉर लोकल के स्टिकर लेफ्ट साइड। बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन में LED टेल लैम्प यहाँ पे नहीं दिया गया, यहाँ पे हेलोजन बल्ब दिया गया है। ट्रायरोसिफ डिज़ाइन यहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है। LED टेल लैम्प आपको अपर वेरिएंट में मिलता है, साथ में यहाँ पे टाटा का एम्बलम प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और टेल गेट के बीचों बीच टाटा का लोगो। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। पंच की ब्रांडिंग आपको दिया गया है,
सेंटर में, जो कि इसके रियर प्रोफाइल को और भी मस्कुलर बना देता है। अब आते हैं हम नीचे की पार्ट पे। यहाँ पे आपको बम्पर आपको ब्लैक कलर में दिया गया है, दोनों रिफ्लेक्टर दिया गया है बहुत ही शानदार हाउसिंग में, जिसके ऊपर आपको ट्राई एरोसिव डिज़ाइन इस वेरिएंट में भी देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बम्पर में। रिवर्स पार्किंग सेंसर दो दिए गए हैं और यहाँ पे फॉग लैम्प दिया गया है प्योर रिदम वेरिएंट में। स्किड प्लेट आपको ब्लैक कलर में ही मिलने वाले हैं। चलिए नाउ लेट्स गो फॉर द इंटीरियर। ओपन कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर को, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके चारों डोर 90 डिग्री ओपन हो जाते हैं, काफ़ी वाइड, जिससे आपको चढ़ने और उतरने में आसानी हो। और इसके फ्रंट डोर में प्योर रिदम वेरिएंट में आपको मिलता है यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे डोर हैंडल, और कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको स्पीकर प्रोवाइड किया गया है। ट्विटर के लिए जगह दी गई है, जो कि आपको यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है आपको फ्रंट ए पिलर पे। इसके अलावा 1 लीटर का बोटो होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। स्पीकर आपको दिया गया है ट्राई एरो सेफ डिज़ाइन में। चलिए इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हाइट ड्राइवर सीट आपको प्रोवाइड नहीं किया गया इस वेरिएंट में, वो टॉप इन वेरिएंट में मिलने वाले हैं। और एक बार इसका डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कर लेते हैं। एक बार चेकआउट कीजिएगा इसका डैशबोर्ड लेआउट, काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट। और इसका जो ट्राइटोन में आपको प्रोवाइड किया गया है इसका डैशबोर्ड लेआउट, और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। जस्ट इसके नीचे आपको कुछ इस तरह का टेक्चर दिया गया, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। और नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है वाइट पार्ट, जिसमें ट्राई एरोसिव डिज़ाइन भी मिलता है। और इसके एसी विंड पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है, मतलब अपर साइड अपर वेरिएंट में मिलता है। यहाँ पे आपको इको और सिटी मोड दिया गया है इस वेरिएंट में भी। और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको इस प्योर रिदम वेरिएंट में भी मिलता है। चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर में। फैब्रिक अपोस्ट्री दिया गया है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको ट्राई एरोसिव डिज़ाइन फैब्रिक अपोस्ट्री पे नहीं मिलते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट में भी प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट। चलिए अंदर बैठते हैं और बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसके सेंटर कंसोल में आपको आर्मरेस्ट किसी भी वेरिएंट में नहीं प्रोवाइड किया गया है। क्रोम फिनिश में हैंडब्रेक, साथ में आपको 2 कप होल्डर और यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है। 12 बोल्ट का चार्जर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दिया गया है। सराउंडिंग आपको पियानो ब्लैक फिनिश प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, जिससे इसका कुछ लुक काफ़ी निखर के आता है। जस्ट उसके आगे आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। और कुछ इस तरह यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, और एसी आपको यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है। जस्ट उसके ऊपर आपको यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल दिए गए हैं, एसी वेंट, बीच में हैजार्ड लैम्प, और यहाँ पे आपको बता दूँ 4 इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कि ऑडियो सिस्टम है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को सपोर्ट करता है। रिदम पैक में आपको मिलता है प्योर वेरिएंट में, आपको केवल प्योर वेरिएंट में आपको कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, ये प्योर रिदम वेरिएंट है, जिसमें आपको ये सब 35,000 लगा के आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है फ्लैट बॉटम, जी हाँ दोस्तों, फ्लैट बॉटम टिल्टेबल और मल्टी फंक्शन। प्योर रिदम वेरिएंट में आपको मल्टी फंक्शन, यानी कि लेफ्ट साइड आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिलता है, आप साउंड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, फोन का फंक्शन आपको दिया गया है। राइट साइड कोई भी आपको यहाँ पे बटन नहीं मिलते हैं। लेट्स गो फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जी हाँ दोस्तों, प्योर रिदम वेरिएंट में आपको मिलता है कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग में। राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आर्मी पिंटर, और बीच में आपको MID दिया गया, जिसमें ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। चलिए इसका डैशबोर्ड लेआउट देखिए दोस्तों, काफ़ी जबरदस्त हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, बीच में आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्चर दिया गया है, और यहाँ पे आपको ट्राई एरोसिव डिज़ाइन वाइट पार्ट दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोब बॉक्स की। ग्लोब बॉक्स में आपको यहाँ पे टैबलेट ट्रे दिया गया, काफ़ी लार्ज ग्लोब बॉक्स है, और यहाँ पे कूल्ड ग्लोब बॉक्स का ऑप्शन आपको रिदम पैक में नहीं मिलता है। ज़बरदस्त यहाँ पे स्पेस,
को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिसिंग है इस वेरिएंट में। सेंटर में आपको जो सनग्लास होल्डर है वो किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता है। यहाँ पे कैबिन लाइट आपको हेलोजन बल्ब के साथ दिया गया है, साथ में वॉइस रिकॉग्निशन यानी ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। लेट्स गो फॉर द रियर कैबिन कंफर्ट, चेकआउट करते हैं इसके। और रियर में आपको जो ग्रैब हैंडल दिया गया है वो टाटा अल्ट्रोस से रिजेंबल करता हुआ देगा। ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को, काफ़ी वाइड 90 डिग्री ओपन हो जाती है इसके रियर डोर में। आप फीचर्स की बात करें तो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड किया गया है। रियर डोर में सबसे देखने वाली बात है जो है पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं विंडो को। 1 लीटर का बोटा होल्डर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, कुछ इस तरह का स्पेस यहाँ पे। और स्पीकर पे आपको यहाँ पे दिया गया है ऊपर ट्राइरोसिप डिज़ाइन, ट्विटर के लिए जगह। और इसके साथ ही कैबिन कंफर्ट देखिए दोस्तों, रियर सीट्स में आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है। हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन आपको यहाँ पे टॉप इन वेरिएंट में मिलने वाले हैं, अपर वेरिएंट में मिलने वाले हैं। पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं और बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट प्योर रिदम वेरिएंट में कुछ इस तरह का, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चारों ओर आपको ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और नेक्सॉन की तरह ही फ्रंट में आपको कैबिन लाइट दिया गया है, रियर में कैबिन लाइट नहीं दिया गया है, रियर में भी देना चाहिए था। दोस्तों मेरी हाइट है 5'2", मेरे अकॉर्डिंग ड्राइवर सीट एडजस्ट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफी अच्छी खासी लेगरूम आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही हेडरूम की बात करें तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, नेक्सॉन से थोड़ी सी ज्यादा इसकी हाइट है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो रियर सीट से फ्रंट की ओर देखिए तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और इस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया गया दोस्तों, प्योर रिदम वेरिएंट, ये जो कि बेस वेरिएंट है इसमें आर्मरेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। लेट्स गो फॉर द बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन। ओपन कर लेते हैं इसके बूट गेट को। और यहाँ पे 366 लीटर का बूट स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इसका बूट स्पेस का जो जगह है ये बॉटम से लेकर पार्सल ट्रे तक 319 लीटर का, और बॉटम से लेकर रूप तक 366 लीटर का बूट स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है। और प्योर रिदम वेरिएंट में आपको मिलता है पार्सल ट्रे, और इसमें कहीं भी आपको बूट लैंप का प्रोविजन नहीं दिया गया है। और ओपन कर लेते हैं इसका स्पेयर व्हील को देख लेते हैं, स्पेयर व्हील आपको प्रोवाइड किया गया है। नंबर देख लेते हैं इसका, साइज देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। यस, जितना आपको भार मिलता है यानी 185/70R15 का स्पेयर व्हील आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ में आपको टूल किट दिया गया है। और इसके साथ ही सेफ्टी फीचर्स के तौर पर आपको मिलता है यहाँ पे टायर पंक्चर किट, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट है दोस्तों, टाटा की सभी गाड़ियों में स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा सेफ्टी फीचर्स के तौर पे। और बूट गेट के इंटीरियर में आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसे आप ग्रैब करके सेट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंजन कंपार्टमेंट की। जैसे कि ये तो फ्यूल लिड ओपनर दिया गया है, इंजन कंपार्टमेंट आप यहां से बोनट को ओपन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंजन की। और इसमें आपको प्रोवाइड किया गया दोस्तों BS6 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड डायना प्रो पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 85 BSP की पावर एंड 113 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और इसमें मिलते हैं आपको 5-speed मैनुअल एंड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन। और माइलेज तकरीबन इसका 18-19 KMPL की है दोस्तों। और जो इसका सबसे प्लस पॉइंट है, ये जो बोनट देख पा रहे हैं जो मैं होल्ड किया हुआ है, ये काफ़ी भारी है, जिससे इसका स्ट्रांग बिल्ड क्वालिटी का पता चलता है।
ये थी दोस्तों कंप्लीट वॉक अराउंड व्यू टाटा पंच प्योर रिदम वेरिएंट का। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यूज टेस्ट ड्राइव्स वॉक अराउंड कंपेरिजन एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।